इस वर्ष हुई ज्यादा बारिश के कारण उड़द की फसल 20% तक कमजोर रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि मॉनसून के दौर के कारण उड़द के कुछ उत्पादक क्षेत्रों में 15 से 20 नवंबर के बाद ही उड़द की आवक शुरू होने की संभावना है। हालांकि उड़द की क्वालिटी अच्छी आने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल उड़द बाजार में कारोबार सीमित दायरे में देखने को मिला है। बर्मा बाजार में उड़द में मजबूती आई है और उसके चलते चेन्नई के बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। दरअसल बर्मा में उड़द के दाम लगभग $15 से $20 तक बढ़ गए हैं। बर्मा में उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1.5 से 2 लाख टन उड़द का स्टॉक हो सकता है। बर्मा में उड़द की फसल प्रति वर्ष फरवरी मार्च में आती है और अभी बोवनी का समय है। वहीं स्थानीय कारोबारियों के अनुसार बर्मा की करेंसी में कमजोरी के कारण बिकवाली अधिक देखने को नहीं मिली है। इसी बीच AFATF द्वारा बर्मा को ब्लैकलिस्ट करने के बाद लेन देन में दिक्कत के कारण भारत की खरीदारी भी कमजोर रही है। बर्मा के स्थानीय कारोबारियों के अनुसार बर्मा में FQ उड़द में मंदी के आसार कम है। ऐसे में स्थानीय बाजारों में भी उड़द में लंबी मंदी के आसार नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें कि उड़द बोल 7100 से 7300 और मीडियम 5500 से 6500 और जबकि हल्की उड़द 3000 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण की वजह से प्रदेश की मंडियों में दलहन की आवक फिलहाल बेहद कमजोर दर्ज की गई है। हालांकि कामकाज भी बेहद कमजोर होने के कारण दाल दलहन की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है। माना जा रहा है कि आगे चलकर उड़द के भाव में ज्यादा मंदी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।